सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन एग्रीव कोचिंग क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में बेटा हम लोग बहुत खास बात करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग MPPAT एग्जामिनेशन की तैयारी पिछले 3 महीनों से कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने एक क्रैश कोर्स रखा था MPPAT का, जिसमें हम लोगों ने नंबर्स ऑफ सब्जेक्ट्स को डिस्कस किया, सारा सिलेबस कम्प्लीट किया फॉर द MPPAT एग्जामिनेशन। जो भी क्रैश कोर्स में पढ़ाया जाता है वो कंप्लीट हम लोगों ने उसमें सिलेबस डिस्कस किया, सारी चीज़ें वन बाय वन डिस्कस किया। अब बेटा जो आपका टाइम आ गया है, अभी का जो एक्चुअल टाइम है उसमें अब आप लोगों की जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस होना चाहिए था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना था। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जब तैयारी कर लेते हैं तो वो क्वेश्चंस को इग्नोर करते हैं। बिकॉज ऑफ दैट वो 3 महीने क्या करते हैं, थियोरेटिकल पार्ट्स को ज़्यादा कवर किए रहते हैं। थियोरेटिकल पार्ट्स में ज़्यादा कवर करने की वजह से वो बार बार उसी चीज़ को रिवाइज करते हैं। बट अगर हम PAT की एग्जाम दे रहे हैं तो वी नो अबाउट दैट कि वहाँ पर हम लोगों के आने वाले हैं क्वेश्चंस आने वाले हैं, है ना। अब ऑब्वियसली बात है कि हम लोगों को क्वेश्चंस को ही वो करना है ना, फेस तो क्वेश्चंस को करना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम लोग आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। जो बच्चे आपके 16 से 17 दिन हैं उसमें PAT के लिए हम किस तरीके की स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, है ना, वो सारी चीज़ों को हम लोग वन बाय वन आज के इस वीडियो में देखेंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट कि अभी आगे क्या होने वाला है सर, कि आगे अब आगे होने क्या वाला है। तो एज यू नो, अभी अगर मैं बात करूं बेटा PAT एग्जामिनेशन की, तो हम लोग तैयारी किस चीज़ की कर रहे थे लास्ट 3 मंथ से, हम लोग जो है MPPAT एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे। किस चीज़ की, MPPAT 2024 एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे, है ना, 2024 एग्जामिनेशन की तैयारी करते। जिसमें अगर मैं बात करूं बेटा क्लासेस में, तो हमारी जो बैचेस स्टार्ट हुई थी है ये 3 मार्च से स्टार्ट हुई थी। हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में जो बैच स्टार्ट हुई थी हमारी 3 मार्च से स्टार्ट थी, और करंट में भी अभी तक क्या है, चल रही है। अभी क्या हो रही है, ये चल रही है, अभी क्या चल रही है सर। तो इसमें अभी भी हमारे जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री बच गया था लास्ट में, तो हम लोग इसमें अभी कवर करवा रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट जो बच गए थे उसको भी हम कवर करा रहे हैं। सेकंड चीज, हम लोगों ने इसमें जो है नंबर्स ऑफ टेस्ट भी लिया, बीच बीच में हम लोगों ने टेस्ट लेते गए और सारी चीज़ें इसमें दी, टेस्ट भी लिया। तीसरी चीज, अभी हम लोगों ने बच्चों को नोट्स प्रोवाइड किया है। अभी हम लोगों ने क्या किया, बच्चों को नोट्स प्रोवाइड किया फॉर द MPPAT एग्जामिनेशन। PAT के लिए हम लोगों ने अभी क्या किया, इस बैच में हम लोगों ने उनको नोट्स प्रोवाइड किए। अब ये जो नोट्स है ये हमारी कम्प्लीटली क्रैश कोर्स की नोट्स होने वाली थी। ये हमारी जो है ये नोट्स कम्प्लीटली क्रैश कोर्स के लिए बनाई गई नोट्स थी। तो इसमें हम लोगों ने बच्चों को ये भी प्रोवाइड करवा दिया साथ साथ में। तो हमने क्या क्या किया उस बैच में, हम लोगों ने सबसे पहले क्लासेस प्रोवाइड की बच्चों को, सारी क्लासेस हम लोगों ने दिया, जिसमें जो 7 सब्जेक्ट होते हैं आपके MPPAT में, कौन कौन से बेटा, क्रॉप प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री एंड अदर सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। तो सभी सब्जेक्ट्स के हमारे यहाँ स्पेशल टीचर्स ने आकर के क्लासेस लिया और सभी तरीके से हम लोगों ने क्रैश कोर्स को पूरा खत्म करवाया, जिसमें भी उसमें सिलेबस था हम लोगों ने कवर कराया। अब आप लोगों के पास जो लास्ट के 20 डेज बचे हुए हैं, समथिंग अप्रॉक्सीमेटली 18 दिन या 17 दिन जितने भी आप सभी के पास बचे हुए हैं, तो उसमें आप लोगों को और हम लोग अभी एग्रीव क्लासेस क्या क्या करवाने वाला है वो उसमें हम लोग बात करते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि अब हम करने क्या वाले हैं आगे। ये तो हमने जो चीज़ें की हुई अभी तक, जो चीज़ें हमने अभी तक किया उनके बारे में डिस्कस था, अब हम लोग क्या क्या चीज़ें और नेक्स्ट दिन करवाने वाले। तो अगर मैं मान लूँ कि MPPAT एग्जामिनेशन को हमारे पास अभी कितने दिन बचे हुए हैं, MPPAT एग्जामिनेशन के लिए हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 18 से 20 डेज बचे हैं, अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं, है ना, 18 से 20 डेज बचे। तो ये भी एक बहुत अच्छा समय है, ये भी एक बहुत अच्छा समय है कि लास्ट में अब ये जो 20 डेज बचे हैं इसमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए स्टूडेंट को और क्या क्या चीज़ें एग्रीव क्लासेस करवाएगी उन पे अभी डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में जो अभी आपके 20 डेज बचे हैं इसमें सबसे पहले हम लोग बच्चों को बेटा जितनी भी हमारी क्रैश कोर्स की नोट्स हैं, क्रैश कोर्स के लिए जो नोट्स हम लोगों ने बनाई, ये जो क्रैश कोर्स की नोट्स बनाई है उसको सबसे पहले रीड करना है आप सभी को, क्योंकि ये जो नोट्स है ये बनाई इसलिए गई है, ये मैक्सिमम 130 to 150 पेजेस की नोट्स है, 130 से 125 पेजेस की हम लोगों ने स्टूडेंट्स के लिए नोट्स बनाई है, जिसमें हमने सारा सिलेबस को एक रिड्यूस करके, जितना भी PAT का जो सिलेबस होता है उसको रिड्यूस करके, कंपाइल करके
बहुत ही स्टैंडर्ड्स की नोट्स बनाई जिससे कि नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आपके पीएटी में आएंगे। अगर आप माने तो 180 क्वेश्चन 200 में से 180 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली इस नोट्स से आने वाले हैं। तो हम लोगों ने नोट्स सभी बच्चों को प्रोवाइड किया करंट में, ठीक है। तो आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले नोट्स जितनी भी आप सभी के पास है उस नोट्स को कम्प्लीटली कवर करना है, बिकॉज ऑफ दैट उसमें सारी चीज़ें दी हुई है और वही चीज़ आप सभी को क्या अभी को पढ़ना है लास्ट 20 डेज। दूसरी चीज एग्रीयू क्लासेस के द्वारा जो है बेटा टेस्ट सीरीज लॉन्च की जा रही है ना 22 मई से, कब से सर, तो एग्रीयू क्लासेस के द्वारा 22 मई से जो है टेस्ट सीरीज लॉन्च की जा रही है। क्या की जा रही है, टेस्ट सीरीज लॉन्च की जा रही है। अब ये जो टेस्ट सीरीज होने वाली है, ये टेस्ट सीरीज बेटा फुल एंड टेस्ट सीरीज होने वाली है, ये आप लोगों की फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होने वाली है जिसमें हम लोग फुल लेंथ है ना टेस्ट सीरीज होने वाली, जिसमें पूरा जैसा पैटर्न आता है आपके एमपीपीटी एग्जामिनेशन में, जिस तरीके का पैटर्न होता है सेम उसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग देने वाले, ठीक है। कैसा पैटर्न होता है एमपीपीटी का, तो मैंने इसके पहले जो फर्स्ट वीडियो बनाया था फॉर द एमपीपीटी का इंट्रोडक्शन, उसमें सारी चीजें वन बाय वन क्लियर भी किया था कि एमपीपीएटी में अगर हम लोग इंट्रोडक्शन में बात करें तो जैसे कि आपके पैटर्न क्या होता है एग्जामिनेशन का, तो एग्जामिनेशन में पैटर्न में जैसे कि 50 मार्क्स का आपका एनिमल हस्बेंड्री आता है, 50 मार्क्स का आपका क्रॉप प्रोडक्शन आता है, 25-25 मार्क्स का आपका मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आता है। तो ऐसा मिलाकर के आपका 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर बनता है। 200 नंबर के क्वेश्चन पेपर में हम लोग क्या करने वाले हैं, आप लोगों की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, कब से हम लोग टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, 22 मई से टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी। ये जो टेस्ट सीरीज का समय होने वाला है, दूसरी चीज जस्ट अ सेकंड, थोड़ा सा हम लोग ऊपर ले जाते हैं, जस्ट अ सेकंड बेटा, सारी चीजें वन बाय वन हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे तो क्या है बच्चे का डाउट नहीं रहेगा मन में, बच्चों को अभी जो है डाउट नहीं रहेगा मन में। हाँ तो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि एग्रीयू क्लासेस 22 मई से जो है टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहा है और ये जो टेस्ट सीरीज होने वाली है फुल एंड टेस्ट होने वाली, कि इसमें हम लोग कंप्लीट जितना भी पीएटी एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होता है उस पे बेस्ड हम लोगों ने टेस्ट सीरीज बनाया है और वो हम लोग जो है 22 मई से स्टार्ट कर रहे हैं। 22 मई से जो हमारा ऑफलाइन सेंटर है वहां पर आकर के आप सुबह 9 बजे से जो है 10:30 बजे तक जो है एग्जाम दे सकते हैं। सुबह 9 बजे से एग्जाम शुरू होगा और 10:30 बजे तक आपका ये कंप्लीट चलने वाला है पूरा सेम एग्जाम पैटर्न, क्योंकि पीएटी में भी आपको 90 मिनट मिलते हैं, 90 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, 200 क्वेश्चन। तो 9 बजे से 10:30 बजे सुबह आपकी ये टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी है ना, इतने देर में आपका टेस्ट होगा। इसमें फिर से मैं एक बार बता दूं कि जो पैटर्न होगा ये पीएटी एग्जामिनेशन की, मतलब कि AG1 AG2 और AG3 ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट सीरीज है, फुल लेंथ टेस्ट है ना। तो AG1 में आपका जो है क्रॉप प्रोडक्शन 50 नंबर का है ना, क्रॉप प्रोडक्शन में 50 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। उसी के बाद में एनिमल हस्बेंड्री है, एनिमल हस्बेंड्री में भी आपके जो है 50 नंबर के क्वेश्चन इसी में इंक्लूडेड रहेंगे। और फिर जो आपका पीसीएमबी है, पीसीएमबी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी, इससे भी आपके 25 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चन जो है 200 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स का ये टेस्ट होगा, डेली जो है 200 मार्क्स का क्वेश्चन। सर क्या ये टेस्ट सीरीज अभी डेली चलने वाली है क्या, तो हाँ बेटा अभी जितने भी दिन आप सभी के पास बचे हुए हैं, कितने दिन, 18 से 20 दिन, तो 18 से 20 दिन अभी कंटिन्यूसली आपके टेस्ट होने वाले है ना। तो जब आप 200 क्वेश्चन डेली लगा रहे हैं है ना, 18 से 20 दिन आपके कंटिन्यूसली टेस्ट होने वाले हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले जो क्रैश कोर्स की नोट्स दी है वो क्रैश कोर्स की नोट्स को डेली पढ़ना है और दूसरी चीज आकर के बस टेस्ट देना है, आकर के बस टेस्ट देना। तो अभी बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है आप सभी को, क्योंकि एग्जाम बहुत पास में आ गई है, अब जो समय है ये पूरा रिलैक्स होने का है। इस समय में आपको सिर्फ यही चीज करना है जो चीज हम बता रहे हैं। तो रोजाना आपकी 9 बजे से 10:30 बजे के भी टेस्ट हो रहा है, तो आपको डेली टेस्ट अटेंड करना है भले ही नंबर कम आए या नंबर ज्यादा है। और टेस्ट का जो रिजल्ट होगा आफ्टर 1 आवर आप सभी को दे दिया जाएगा, इसकी जो आंसर की होगी आफ्टर 1 आवर यानी 1 घंटे के तुरंत बाद आप सभी को इसके आंसर की मिल जाएगी। तो ये बेस्ट है आप सभी के लिए, आपको उसी दिन वैल्यूएट करने मिल जाएगा चीजें और साथ ही साथ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाने वाले, तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग जो है सारी चीजें करने वाले, ठीक है। साथ ही साथ में और एक चीज और है कि हम लोग इसमें जितना भी अभी तक हमने पढ़ाया उसके हम लोग एक वन शॉट वीडियो बना करके हम उसमें और सारी चीजें क्लियर करवा देंगे। जैसे मैथमेटिक्स हम लोगों ने पढ़ाया तो मैथमेटिक्स का सारा सिलेबस हम लोग वहां पर अभी कवर करवाने वाले हैं आप सभी को। तो ये वन बाय वन चीजें चलते जाने वाली है, ठीक है बेटा, ये सारी चीजें चलते जाने वाली है।
साथ ही साथ ये 22 मई से आपको स्टार्ट हो रहा है, ये आप सभी को सारी जानकारी आप सभी को रख लेना है। टेस्ट दीजिए, तो अगर आप 18 दिन में 200 क्वेश्चन दे रहे हैं तो 18 दिन 36 3600 क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हैं अभी ये लास्ट का 18 से 20 दिन, तो आपको पीएटी जैसी एग्जाम क्रैक करने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता, राइट। तो पीएटी जैसी एग्जाम्स आप लोग इजीली क्रैक कर पाएंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर द ऑल स्टूडेंट्स, जो भी पीएटी की एग्जाम की तैयारी कर रहा था, जिसने भी अभी तक हमारे साथ जुड़ करके तैयारी किया है, जिसने नहीं भी किया है वो भी आकर के वेलकम है उसका भी, वो भी आकर के हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकता है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके वो जो है टेस्ट में बैठ सकता है और टेस्ट दे करके अपना वैल्यूएशन कर सकता है। तो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट आप सभी को दे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।